वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब बटन है उससे दबा दें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें। इससे मैं अपने आने वाले नए वीडियोज आप तक आसानी से पहुँचा पाऊंगा। दोस्तों आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, इन सब टॉपिक पे मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं और हो सकता है ये वीडियोस आपके काम आए। आप यहां से इसे फ्री में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। प्लीज़ मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं मैं अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे हाथ रख रहा हूँ तो स्पीकर्स की जो प्लेसमेंट है ऑडियो की वो ऑटोमेटिकली स्पीकर के थ्रू नहीं आ रही है, वो ईयरपीस से आ रही है। सो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ट्रिक जो हमारे पास यहाँ पे है वो ये है कि आप कैसे अपना नंबर बिना रिवील करें या फिर किसी और नंबर से जैसे कि अमेरिका के नंबर से कैसे व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ़ोन की अपनी जाना है सेटिंग्स में, देन डुअल ऐप फीचर से आपको अपने व्हाट्सएप को क्लोन करना है, दूसरा व्हाट्सएप बनाना है एक और। लेकिन अगर आपके फ़ोन में डुअल ऐप का फीचर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है पैरेलल स्पेस, उसका लिंक मैंने आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप का क्लोन बना सकते हैं अपने किसी भी फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में। देन व्हाट्सएप का क्लोन बनाने के बाद आपको एक और ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से जिसका नाम है प्रीमो, उसका लिंक भी मैंने आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, देन आपको साइन अप करना है इस ऐप में अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करके, देन आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको ईमेल वेरीफाई करना है सबसे पहले, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक यूनिक आपका नंबर मिलेगा जो कि अमेरिका का नंबर है, +1 से स्टार्ट होता है, तो आपको उस नंबर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो हमने अभी व्हाट्सएप क्लोन किया था उसमें आपको जाना है एंड देन आपको उस क्लोन व्हाट्सएप में साइन अप करना है बेसिकली और इस नंबर को एंटर करना है। इस नंबर को एंटर करने के बाद आपको व्हाट्सएप इस नंबर पर SMS सेंड करेगा, बेसिकली OTP सेंड करेगा, लेकिन SMS पर आपको एक एरर आएगा कि हम आपको SMS नहीं भेज पा रहे हैं व्हाट्सएप, तो आपको क्लिक करना है गेट अ कॉल पे, और जैसे ही आप गेट अ कॉल पे क्लिक करते हैं आपको एक कॉल आएगा प्रीमो ऐप के थ्रू, तो आपको प्रीमो ऐप में जो कॉल आएगा उसको पिक करना है, कोड को सुनना है OTP को जो लड़की बताएगी, और देन आपको वो कोड को व्हाट्सएप में एंटर करना है और आपका एक और व्हाट्सएप अकाउंट बन जाएगा, वो भी दूसरे नंबर से जो आपका नहीं है, एक फॉरेन नंबर ये है। देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को प्रैंक करने के लिए या फिर जो भी आपको करना है, और ये आप कर सकते हैं अपने रेगुलर व्हाट्सएप के साथ भी अगर आपको करना है तो, बट मैंने यहाँ पे दूसरा व्हाट्सएप बनाया क्योंकि मुझे दोनों अकाउंट यूज करने थे। और नेक्स्ट ट्रिक जो हमारे पास है उसको यूज करके आप अपने फ्रेंड को अनॉय कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं एक ही मैसेज को 1000 times भेज के। तो उसके लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जो कि प्ले स्टोर पर नहीं है, तो आपको उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डायरेक्ट लिंक, तो वहां से आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपको उस ऐप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको एक विंडो आएगी जहां पे आपको टेक्स्ट एंटर करना है जो भी आपको अपने फ्रेंड को भेजना है, देन आपको ऑप्शन मिलेगा अमाउंट का, तो यहां पे आपको डालना है कितनी बार आपको ये SMS या टेक्स्ट मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को, तो यहां पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहां मैं डाल रहा हूं 600, आप 1000, 20000 कुछ भी डाल सकते हैं। देन आपको क्लिक करना है सेंड पे और व्हाट्सएप यहां पे ओपन हो जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ये स्पेशल मैसेज किसको भेजना है, और फिर आप जैसे वो करते हैं आप सिंपली वो मैसेज थाउजेंड्स ऑफ टाइम आपके फ्रेंड को चला जाएगा और वो बेसिकली इरिटेट हो जाएगा। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आप व्हाट्सएप पे इटैलिक, बोल्ड या फिर स्ट्राइक टेक्स्ट और एक डिफरेंट फोन में भी मैसेज भेज सकते हैं जो कि फिक्स्ड SYS फॉन्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पुराना फॉन्ट है ये। तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली कुछ सिंबल्स को, स्पेशल करेक्टर्स को ऐड करना है अपने मैसेज के स्टार्ट और एंड में जो आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। आपको बोल्ड के लिए स्टार यूज़ करना है, इटैलिक के लिए आपको अंडरस्क्वायर यूज़ करना है, और स्पेशल फॉन्ट के लिए कुछ अलग है, तो ये सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनका यूज करके आप एक नए वे में व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि अगर आपको आपके फ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप पे, तो आप कैसे उनके अकाउंट से खुद को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है व्हाट्सएप में, देन अगेन 3 dots में सेटिंग्स में अकाउंट में, देन डिलीट माई अकाउंट, और यहाँ पे आपको अपना नंबर कन्फर्म करना है और डिलीट माई अकाउंट कर देना है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने ब्लॉक नहीं किया, बट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको आगे। ये करने के बाद आपको व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना है अपने फोन से, देन आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि इससे कुछ नहीं होगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है या ऐप स्टोर में, देन आपको वहां से व्हाट्सएप को फिर से इंस्टॉल करना है, अगेन आपको सब कुछ करना है, साइन अप वगैरह जो फॉर्मेलिटीज हैं, OTP वो सब करने के बाद अब अगर आप उस बंदे को मैसेज करते हैं जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो आप उसे मैसेज कर पाएंगे और वो देख भी पाएगा
बेसिकली अनब्लॉक आप हो जाएंगे उसके अकाउंट से। और नेक्स्ट एक जो है वो ये है कि आप कैसे व्हाट्सएप का बीटा टेस्टर बन सकते हैं और जो आने वाले फीचर्स हैं व्हाट्सएप में उनका सबसे पहले एक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लिंक पर जाना होगा जो कि प्ले स्टोर का लिंक है, वो मैंने आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उस लिंक पर जाना है एंड मेक श्योर आपने अपने गूगल अकाउंट से साइन इन किया हुआ है जो कि सेम होना चाहिए जो आपने प्ले स्टोर में भी यूज़ किया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है बिकम अ टेस्टर पे। जैसे ही आप ये करते हैं आप व्हाट्सएप के बीटा टेस्टर बन जाएंगे और आप फिर जाएंगे प्ले स्टोर में सेम गूगल अकाउंट से और आपको अगर व्हाट्सएप का कोई भी बीटा वर्जन होगा तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जो भी न्यू फीचर्स आने वाले उनको यूज सबसे पहले कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आपको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट्सएप पे इमेजेस और वीडियो सेंड करते होंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपके फोन की जो गैलरी है उसमें सिंक हो जाते हैं और आपको वहां पे दिखने लग जाते हैं व्हाट्सएप इमेजेस के नाम से। तो अगर आपको वो पसंद नहीं है, आपको उसको हाइड करना है जो कि बहुत लोग चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आपको उसके लिए सिंपली अपने फोन के फाइल मैनेजर या फिर माई फाइल सेक्शन में जाना है और देन आपको वहां पे जाना है व्हाट्सएप में, देन मीडिया, देन आपको जो भी फोल्डर हाइड करना है गैलरी से उसको आपको रीनेम करना है और उसके आगे आपको डॉट लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया व्हाट्सएप इमेजेस के आगे डॉट। और जैसे ही मैं ये करता हूँ इस जगह से माइल फाइल से और गैलरी से भी ये फोल्डर जो है वो हाइड हो जाएगा। और फिर अगर आपको ये किसी बाय चांस आपको ये फोल्डर वापस लाना है किसी भी कारण के लिए, तो आपको सिंपली माई फाइल के आपको सेटिंग में जाना होगा, देन आपको क्लिक करना है या फिर अनेबल करना है शो हिडन फाइल्स को और फिर आपको वो फोल्डर दिख जाएगा, देन आप उसके आगे से रीनेम करके डॉट को हटा दो और फिर वापस से वो फोल्डर आपकी गैलरी में और माई फाइल में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ट्रिक जो है उसको यूज करके आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बिना अपने फोन को टच किए। तो आप करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलना है ओके गूगल सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू हर्षित, चैट विद हर्षित, श्योर, व्हाट्स द मैसेज, व्हाट्सएप ब्रो, गॉट इट, डू यू वांट टू सेंड इट और चेंज इट, कैंसिल इट। सो ऐसे करके आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर सकते हैं सीधा गूगल नाउ का यूज करके। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो ये बेसिकली एक बिल्कुल नया फीचर है जो व्हाट्सएप ने ऐड किया है न्यू वर्जन में, न्यू अपडेट में। तो इसके लिए आपको जाना है अगेन व्हाट्सएप में, देन तीन डॉट्स में, सेटिंग्स में, अकाउंट में, और फिर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा जो कि है टू स्टेप वेरिफिकेशन। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो दैट मींस ऑब्वियसली आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ऐप को अपडेट करो प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद इसको ओपन करना है आपको, देन आपको यहाँ पे 6 डिजिट का पासकोड एंटर करना है, उसको कन्फर्म करना है और उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो कि यूज़ होगा अगर आप ये पासकोड भूल जाते हैं तो रीसेट करने के लिए। उसके बाद से अगर कोई भी बंदा दूसरे फोन में आपके फोन नंबर से व्हाट्सएप पे वेरीफाई करने की ट्राई करता है, जो आपका व्हाट्सएप पे नंबर है उसको वेरीफाई करने की ट्राई करता है किसी और फोन में व्हाट्सएप पे, तो उससे सबसे पहले यहाँ पे ये पासकोड मांगा जाएगा, उसके बाद ही वो कुछ भी यहाँ पे कर पाएगा। तो बेसिकली व्हाट्सएप ने एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया और ज्यादा आपके अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए और थोड़ी सी और सिक्योरिटी व्हाट्सएप में ऐड करने के लिए। तो अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जरूरी ये नहीं है, एक ऑप्शनल फीचर है। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आप कैसे व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में, वो भी ऑफिशियली, कोई भी फेक नहीं, बिल्कुल सेम व्हाट्सएप सेम चैट्स के साथ में, वो भी विद इन फ्यू सेकंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना होगा अपने विंडोज लैपटॉप में। उसके लिए मैंने आपको नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियली व्हाट्सएप की वेबसाइट से। इंस्टॉल करने के बाद अपने लैपटॉप में आपको उसको ओपन करना है और आपको एक बार कोड वहां पे दिखेगा, तो उसके बाद आपको अपने फोन में एंड्रॉइड फोन में जो भी आपके पास फोन है उसमें व्हाट्सएप को ओपन करना है। देन आपको ऊपर तीन डॉट पे एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप वेब का, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और आपको कैमरा खुल जाएगा, आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है और विद इन फ्यू सेकंड्स व्हाट्सएप जो है वो सेम व्हाट्सएप आपका आपके लैपटॉप में सिंक हो जाएगा और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू, वो भी एक बिल्कुल न्यू यूजर इंटरफेस के साथ में। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल और बेसिक ट्रिक है, बट फिर भी बताता हूँ मैं आप सबको। वो ये है कि अगर आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप है, फैमिली ग्रुप या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप कोई भी है, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको किसी को रिप्लाई करना है तो कन्फ्यूजन होती है कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो अब एक न्यू फीचर आ चुका है व्हाट्सएप में, बहुत टाइम हो चुका है, बट अगर आपको पता नहीं है तो आपको उस मैसेज को होल्ड करना है जिसको आपको रिप्लाई करना है, जिस भी बंदे को उसका मैसेज आपको होल्ड करना है। ऊपर आपको एक एरो का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट एरो, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं।